Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a Sarojini haul. Actually मेरे को ना सरोजनी से shopping करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मैंने बचपन से अभी तक एक ही चीज़ सुनी है कि अगर लड़कियों को कहीं जन्नत मिलती है तो वो है सरोजनी नगर. एंड इस बार मैंने बहुत लिमिटेड शॉपिंग करी है क्योंकि इस बार जब मैं सरोजनी गई तो बारिश होने लगी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही शॉपिंग करी है इस बार. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट इनटू दिस वीडियो. फर्स्ट थिंग जो मैंने सरोजनी से ली है वो ये शर्ट है. इस पे ऐसे पूरी शर्ट पे ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी हुई है. और ये पता है ये सारे शर्ट मैं लेती हूँ क्योंकि मेरे को कॉलेज जाना होता है, तो कॉलेज के लिए मुझे सबसे कम्फर्टेबल जो लगता है वो लगता है शर्ट. सो ये शर्ट मैंने लिया था, आई थिंक अप्रॉक्स 300 का अराउंड में मैंने ये शर्ट सरोजनी से लिया था. इस पर ये फुल हैंड का है. सेकंड थिंग जो मैं वहाँ से लाई हूँ वो ये कुर्ती है. ये कुर्ती इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना पहनने के बाद, मतलब ये कलर ऐसा है कि किसी पे भी सूट कर जाएगा. एंड ये अप्रॉक्स 350 के अराउंड मैंने ये लिया था कुर्ती. और ये ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ये नी तक आता है या नी से थोड़ा सा नीचे तक आता है. और इसका जो कपड़ा है ना वो भी काफ़ी सही है. इस पर इस तरीके के कुछ वर्क किए गए हैं. उसके बाद मैं ये शर्ट लेकर आई हूँ जो रेड कलर का है, मतलब हल्का रेड में है. और इस पर भी ऐसी ऐसी लाइनिंग बनी हुई है. पता है ये मैं वहाँ पे मेरे को अच्छा लगा, बट यहाँ पे आने के बाद जब मैंने ट्राई किया ना तो मेरे को ये देखिए, जैसे कि मैंने एस नंबर लिया है बट ये मेरे को शोल्डर से और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है, तो फिर मैं ये पहन नहीं पा रही. बट कभी कभी क्या होता है कि अंदर कुछ डाल के, मतलब जो पतले स्ट्रिप्स वाले टॉप नहीं होते, अंदर डाल के फिर मैं ऊपर से इसे पहन लेती हूँ, क्योंकि ऐसे पहनने पर मुझे ये चीज़, और वो डालने के बाद भी ये चीज़ टाइट ही रहता है. ये शर्ट भी अराउंड 300 के अप्रॉक्स, मुझे ऐसा लगता है कि सरोजनी में जो शर्ट होते हैं ना वो 300-350 के अराउंड ही सारे शर्ट मिलते हैं. उसके बाद मैं एक टॉप लेकर आई थी, ये वाला. ये टॉप में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर का है. इस टॉप में कुछ भी नहीं है, ये 100 रुपीज़ में टॉप है. ये तो मैं घर पे पहनने के लिए लाई थी, बस ऐसे ही मिला तो फिर ले लिया मैंने. इसके बाद मैं एक जीन्स लेकर आई ब्लैक कलर का. इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है, हालांकि मैंने उस टाइम भी देखा कि इसका पतला है, बट मैं कोई ऐसा चाहिए था, ऐसा मेरे पास एक भी जीन्स नहीं था. ये जीन्स नहीं, आई थिंक कपड़े वाला है, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, बट इसका कपड़ा भी काफ़ी सही है. ये मैंने 380 में लिया था, हाँ 380 में ये लिया था. सो उसके बाद जो मैंने परचेज किया था वो ये परचेज किया था, एक जंपसूट जो कि मैरून कलर का है. ये कलर इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, मतलब यू कांट बिलीव कि ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब. और ये मैंने लिया था 300 के अराउंड में, और इसमें ये पतला सा स्ट्रिप है. उसके बाद जो मैं लाई वो ये हॉट पैंट है, ये हॉट पैंट आई थिंक मैंने लाई थी 280 का, हाँ 280 का ये हॉट पैंट लेकर आई थी मेरे को. उसके बाद लास्ट जो मैं वहाँ से लाई वो ये शर्ट है. ज़्यादातर मैं वहाँ से शर्ट ही लाती हूँ, हाँ शर्ट ही लाती हूँ ज़्यादातर, तो मेरे को अच्छा लगता है शर्ट पहनना. सो ये ब्लू कलर का शर्ट है. ये ऐसे, मतलब ऐसे पहनने वाला नहीं है, इसमें कहीं भी बटन नहीं है. ये देखिए, इसमें कहीं भी बटन नहीं है, ये है कि अंदर कोई भी टॉप डाल के फिर ऊपर से पहनने वाला है. सो इसमें कहीं भी बटन नहीं है. और ये आई थिंक मैंने 250 का ही लिया था. सो मैंने इस बार सिर्फ इतना ही शॉपिंग किया है, इतना ही शॉपिंग किया. आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इन समय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी. एंड तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.